अभी जो बहुत बड़े वाला कंटेंट है तो वो है डाइवोर्स को। रिश्तों में स्टेबिलिटी आना बहुत बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद कोशिश करना, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, जैसे कि फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम पर, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मे बी मतलब जो न्यूली मैरिड है, जो कि छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा कर लेते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई मायने नहीं होता है, लेकिन तेरा मेरा करते हुए चीज़ों से प्यार करते हैं इंसान, या रिश्तों से उनको कोई प्यार नहीं है, तो उनके काम आ सकता है ये आज का वीडियो। मैंने 2 दिन रेस्ट लिया है, परसों मैंने वॉइस ओवर करी थी, कल का मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया था, लेकिन मॉर्निंग से ही मैं पोस्ट शेयर कर रही थी, आप लोगों से पूछ रही थी कि मेरे को इतने कमेंट आए, तो मैंने पूछा था ननु जीजा, चलिए वो बात अलग है, बाद में करूँगी, लेकिन पुत्तन परी जो है वो ज्ञान की देवी क्यों बनी है कार में? क्योंकि जिसको आदत बनी हुई है छत पे ज्ञान की देवी बनने की, टंकी के सहारे बैठ के बातें गुन करने की, लेकिन किसी के आने पर, जानकी जूटी के आने पर चुप हो जाने की, जहाँ फिर किचन का कोई कोना पकड़ के बातें करने की, खुसफुसाने की, जहाँ फिर सेम टू सेम खुद की ही झूठी को फॉलो करते हुए बनने की रानी बनने की, बनने की रानी बनने की, मतलब वॉल का सहारा लेके वहीं गेट के पास खड़े होके खुसफुसाने की, है ना। वो अपने पुत्तन परी जो है, दिल की बात जो है वो करना चाहती है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है। उसको किस चीज़ का प्रेशर है? ऐसे कौन से राज है जो झूठी के पास है? क्यों ये सब मतलब तीन लोग, यानी कि डीजे मैया, जहाँ फिर गुलाब सिंह, जहाँ फिर पुत्तन परी जो है उसी के इशारों पर नाचते हैं, और पुत्तन परी जो है फॉलो ही उसको करने लग गई हैं। ऐसा पहले क्या हुआ था? जब पुत्तन परी के पास्ट को अगर सोचा जाए तो उस टाइम पे कितने महीनों उसने नहीं बुलाया था अपनी ही इस झूठी को, है ना। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ तो बहन ही बहन की दुश्मन है, और ये चीज़ जो है साबित हो चुकी है। एक टाइम तो शरीकेबाजी कहा जाता था कि भाइयों में होती है प्रॉपर्टी को लेकर, मतलब किसी भी की चीज़ को लेकर, जहाँ फिर भाई जो हैं वो भाई आपस में ही अलग हो जाते, नहीं बुलाते हैं। शरीके में ऐसा होता है, सबके होता है, ये नहीं कि अब पंजाब में होता, हरियाणा में होता है, लेकिन यूपी और बिहार में नहीं होता, सब जगह ये चीज़ें होती है, ऑल ओवर इंडिया, ओके जी। लेकिन आते हैं मेन मुद्दे पर, ना आपको इधर उधर भटकाते हुए, तो मैं सबसे पहले पुत्तन परी के लिए गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ये गाना होना चाहिए था ननु जीजा की ओर से पुत्तन परी के लिए, और पुत्तन परी का भी यही गाना सेम होना चाहिए था, यही लिरिक्स होने चाहिए थे पुत्तन परी के ननु जीजा के लिए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ों से प्यार है। कल की बात है, मैंने पोस्ट पर शेयर किया आप लोगों के साथ कि पुत्तन परी जो है वो ज्ञान की देवी क्यों बनी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हो गई हैं, है ना, लेकिन पुत्तन परी के पास नहीं थी। जब रिश्तेदार ने ये बात करी थी कि मेरे बच्चे को लेकर आप लोग कंटेंट बनाकर चलते हो, किस रिश्तेदार ने ये बात बोली थी, सबको सब कुछ पता है। उसी दिन से, यानी कि कोई 3-4 दिन पहले ही, पुत्तन परी जो है इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में अपनी जो जायदाद थी, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी जो थी वो ले आई थी। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तेरा मेरा नहीं होता है। अगर पुत्तन परी ने एक अमाउंट जो है, एक फिक्स अमाउंट कह देते हैं, है ना, वो पे की थी, तो कुछ महीनों तक जो कि अभी तक चलती आ रही थी, तो वो ननु जीजा ने भी पे की होगी। सोशल मीडिया पर हर एक बात का यहाँ पर तमाशा बनाया है, तो ये पुत्तन परी की ओर से ही है, लेकिन ननु जीजा की ओर से सब चुपचाप है। छोटी छोटी बातों के हिसाब, छोटी छोटी बातों के लिए बोलना, मेरे को क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, उसने उस टाइम पे ये कहा, ये चीज़ें कौन लेके आई, ये पुत्तन परी लेके आई है, और कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज है। मैंने पहले ही बोला, कौन से ऐसे छुपे हैं काले राज, और वही दिन फिर से आ रहे हैं जिसमें कहा जाएगा कि काला महीना चल पड़ा है, जहाँ फिर पीला महीना चल पड़ा है, जहाँ फिर मामा जो है वो देखता नहीं है बच्चे को, जहाँ फिर जो कहते हैं कि बाप जो है वो देखता नहीं है बच्चे को, जहाँ फिर इन लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं होते हैं इन दिनों में, तो ये बहानों के दिन जो है फिर से वापस आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि मामा की जान जो है अब कितने दिनों के लिए कहाँ रहने जाता है, क्योंकि इन दिनों में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में जो मामा है वो भांजे को नहीं देखता। यही वो चीजें हैं, यही वो दिन है, वो आने वाले हैं,
तो अब देखा जाएगा वो चीजें। लेकिन यहाँ पर कल जो गुलाब सिंह जो है, गुलाब चंद जो है, वो रोते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं और उनको देखकर दुख भी बहुत हुआ है। लेकिन वो दुख जो है वो नन्नू जीजा की ओर से नहीं लग रहा मुझे, ये साजिश कुछ और है। साजिश वर्ड यूज किया गया है लेकिन इसका वजन बहुत है साजिश का। ये साजिश वर्ड जो है इसमें वजन बहुत है। ये यहाँ पर सूट नहीं करता था गुलाबजन। यहाँ पर ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला था वो किसी और के पास चला गया है। इस वजह से भी आप इमोशनली आपने दिखा दिया सबको। लेकिन जब बंदा उदास होता है, रो रहा होता है, परेशान होता है, तो उसका दिल नहीं करता एपिसोड बनाने को। हमें देख लें, हम लोग छुट्टियां बहुत करते हैं लेकिन हमारी जनता जो हमें इतना प्यार करती है, जिनकी वजह से हम है, वो हमें छुट्टी नहीं करने देते हैं, है ना। यही वो बात है कि उस टाइम पर तुम्हें इमोशनली इतना वीक थे जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर तुम्हें याद रहा कि मैं जल्दी से चलते चलते भी रास्ते में कुछ एपिसोड जो है वो शूट कर लेता हूँ। जहाँ फिर बड़ी दीदी का प्रेशर आया था, भैया यही आजकल ट्रेंडिंग में है, यही चल रहा है, जहाँ औरतें रोती हैं तो मर्द भी रोते हैं, मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? होता है क्या? मर्द के सीने में दिल नहीं होता? होता है। ऐसे गुलाबचंद के भी सीने में दिल है, लेकिन किसने इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है हत्याया, उसके लिए आपको पास में जाना पड़ेगा। लेकिन सच जो है वो यही है, यही है, यही है। इस चैनल पर ही आप लोगों को हमेशा सच सुनने को आए मिलेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना झूठ सहते हैं ना झूठ बोलते हैं, सच के लिए आवाज उठाई है, एक मुहिम उठाई है। ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। आज के यूथ को राइट वे मिलना चाहिए। नहीं यकीन आता तो अब अगर जो स्पून आते हैं तो उनको भी बोलना चाहती हूँ कि पुत्तन परी ने जो हगीज की बात करी है, तो ये मेरा परसों का एपिसोड था। अभी थोड़ा मुद्दे से हट रही हूँ क्योंकि ऐसे बोर हो जाता है ना यार। तो हगीज का जो मैंने टॉपिक उसमें लिया था, ये कहते हुए कि मैं अपने बेटे को जो है हगीज यूज करती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे पैम्पर्स जो है वो इतना नहीं था, उसका ट्रेंड जो नहीं था हगीज का था। हगीज जो है वो काफी कॉस्टली है ना। लेकिन मैं जो है इंडिपेंडेंट लेडी नहीं थी, मैं हाउसवाइफ थी, लेकिन ये सारा खर्चा मेरे हस्बैंड ही करते थे, है ना जी। लेकिन पुत्तन को किसी ने नहीं बोला, मेरे एपिसोड से ही उसको ये मैसेज गया है और उसने उसका रिप्लाई दिया है कि उसका बच्चा जो है उसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके जी। तो अब जो है उनको ये चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ पर दोनों पल्लड़े जो हैं इस टाइम पे भारी हैं, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, इक्वली चल रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए, ननु जीजा जो ले रहे हैं वो इस टाइम पर कार ले रहे हैं और ये कहते हुए भी नजर आने चाहिए ननु जीजा अपनी मी के हाथ में चाबी रखते हुए कि मी लीजिए मामा, आपके बेटे ने अपनी इनकम से ये गाड़ी ली है। तो उसकी खुशी जो है, उसका लेवल जो है वो अलग ही होगा एक माँ के लिए, क्योंकि माँ जो है पिछले 1.5-2 साल से परेशान है। इधर डीजे मैया भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान तो हैं, लेकिन वो बच्ची बन के बच्चा दिखा रही हैं, दिल तो बच्चा है जी कहते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे पास। दीदी, गुलाबचंद इमोशनली इतना टूट टूट के फुट फुट कर क्यों रो पड़ा? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाले। जिस मामा ने एक इंच से लेके यहाँ तक सारा ये बिल्डिंग जो है खड़ी कर दी, लेकिन जब गुलाब सिंह के पापा जी नहीं थे, नानके वालों ने इतनी ज्यादा हेल्प करी थी, जब वो मामा जी इतनी इस दुनिया में नहीं रहे, तो इतना रोना तो गुलाब सिंह को तो उस टाइम पे भी नहीं आया था। वीडियो जो है, एपिसोड जो है, पॉज कर करके आंखें पोंछ ली थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि जार जार रोना पड़ा। तो ये जार जार जो है, जब भी रोया जाता है, दिल जो है जब भी दुखता है, जब हमारे हाथ से चहेता हमारा खिलौना कोई छीन के ले जाए, तो चहेता खिलौना जो है वो जरूरी तो नहीं कोई टॉय ही है। वो हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर भी हो सकता है जिससे वो बहुत बड़ी उम्मीद रही हो, लेकिन कोई अपना ही उसको छीन के ले गया। और वो कोई अपना कौन है, इसके लिए आपको गुलाब चंद के ही पुराने एपिसोड जो है वो देखने पड़ेंगे कि हमेशा गुलाब चंद के साथ कौन था। मैं भी यहाँ पर मैं रोंग हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ पर रोंग नहीं हूँ। लेकिन हाँ, 80% जो है श्योरिटी लेती हूँ कि ऐसा ही कुछ हुआ है, जिस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा गुलाबचंद ने ये भी क्या है कि परिवार से बार बार जो है कॉल आ रहे थे, तो आप लोगों को पता है। तो परिवार में जो है सब ठीक ठाक था, क्योंकि गुलाबचंद जो है जिस टाइम से अपने घर से निकला था उस टाइम पे तो वो चीजें हो चुकी थी। पुत्तन की प्रॉपर्टी भी उस टाइम पे घर आ चुकी थी। तो यहाँ पर नन्नू जीजा की ओर से जो एक्शन लेना था
वो भी लिया जा चुका है, वो भी गुलाब चंद की नज़र में ही था, लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ है वो हुआ है गुलाब चंद के अपने ही प्रोफेशन में, अपने ही अपना बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसी डील जो है वो इसके पास आते आते जो क्या कहते हैं टेंडर जो है वो किसी और के पास चला जाए, वो ही चीज़ हुई है। ओके जी, तो ये वो बातें हैं, लेकिन वो फिक्रमंद है, वो जो है अपनी ही झूठी के बातों में फंसे हुए ये वो लोग हैं जो कि दूसरों को नज़र आता है लेकिन नहीं नज़र आता है, तो इनको नज़र नहीं आता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एपिसोड जो हैं दो या तीन भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारी बातें जो है क्लियर कट करूँ, है ना। तो इंडियन यूट्यूबर भी डिम्पल जो है वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मैं उस पर भी आऊँगी आज, है ना जी। तो ये चीज़ मैं जहाँ पर एक और बताना चाहती हूँ कि मैं खुद से ही बताना चाहती हूँ या मेरे पास क्वेश्चन आए हैं मेरे पास आए हैं, आप जो है पोस्ट पर भी देख सकते हो, लेकिन मैं खुद से भी बता रही हूँ आप लोगों को कि सब लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी अर्निंग डिम्पल दी आप बता रहे हो, जब फिर आप लोगों को खुद को ही पता है उनका लाइफस्टाइल जो है आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन खाने पीने पे इनका इतना खर्चा नहीं होता, तो पुत्तन परी का पैसा कहाँ जाता है। सुनिए, देखिए, जब लड़कियां जो है अनमैरिड है अपने घर परिवार के लिए कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद जो जब शादी हो जाती है तो उसके लिए दो परिवार हो जाते हैं, दो दो घर हो जाते हैं उसके लिए, तो बहुत कम लड़कियां जो हैं वो मेंटेन करके चल पाती हैं, अपने वो ससुराल वालों को भी, अपने इन मायके वालों को भी देखना है, यही सेम चीज़ें लड़के के साथ भी होती हैं, है ना। लेकिन लड़के के परिवार में जहाँ पर ये है कि पुत्तन परी को पहले अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पर बनानी चाहिए थी, लेकिन पुत्तन परी जो है वो पीछे ही देखती रही। पुत्तन परी भी चाहती थी कि जैसे जूठी ने कुछ ना कुछ लेके दिया है, मी को मैं भी लेके दूँ, लेकिन पुत्तन परी ने ये नहीं सोचा कि जूठी जो लेके देती है उसके लिए वो एपिसोड जो है वो बना बना के सब लोगों को दिखा देती है, और यहाँ पर गुलाब चंद और पुत्तन परी जो है वो यहाँ पर थैंक यू करते करते नहीं थकते हैं उसको, है ना। चाहे वो स्पीड ऐसी आप लोगों ने देखा है, वो भी क्यों ना ही हो, है ना, वही चीज़ें हैं। लेकिन पुत्तन परी जब कुछ देती थी तो वो चुपचाप देती थी, लेकिन पता लगता था कि पुत्तन परी ये सब चीज़ें लेके आई है, उसने मी को गिफ्ट दिया है, उसने डिब्बे भरवाया, मंथली डिब्बे भरवाए जाते हैं, लेकिन घर में जो छोटा मोटा लाया जाता है वो ही पुत्तन परी ही लेके आती है, तो ये वो खर्चे हैं, है ना जी, जो पुत्तन परी करती थी। लेकिन आफ्टर मैरिज तो सोचने वाली बात ये है कि परिवार में जब पैसे की कमी नहीं है, वहाँ पर भाई भी कमा रहा है, वहाँ पर मी भी कमा रही है, एक अच्छी अर्निंग है, तो ये बात है कि अब जो है लड़कियों को क्यों करना पड़ता है, जो झूठी है वो घुमाने फिराने में सारा खर्चा करती है। आप लोगों को पता है जिनके ऐसे वाले खर्चे हों तो वो सेविंग कहाँ से करेंगे। जो लोग 40-40, 45-45 हज़ार या फिर 25-30 हज़ार पर मंथ जो है सिर्फ और सिर्फ कपड़ों पर ही खर्च कर देंगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे आए हैं कि जूठी जो है वो कोई भी कपड़ा रिपीट क्यों नहीं कर रही है, उसकी खास वजह यही है, और गठड़ियाँ बांध बांध के कहीं बेड में, कहीं अलमारियों में, मतलब कहीं पेटियों में ऐसे फेंक रखे हैं कपड़े, है ना, या फिर अपने नियर डियर जो छुटकू मुटकू से आप लोगों को पता है इनकी सेना जो तैयार है वहाँ उनको वो दे दिए जाते हैं, तो सेविंग कहाँ से होगी। तो पुत्तन परी की जो सेविंग अभी तक हुई है या कैसे है उसके ऊपर पुत्तन परी जो है वो प्राउड फील करने लग गई है, उसका दिमाग सटक गया है, उसको है कि हाँ मैं ये ले सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो पुत्तन परी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, कहीं ना कहीं उसकी समझदारी जो है वो भी सबको नजर आएगी। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में पुत्तन परी के ऐसी कौन सी समझदारी नजर आएगी या फिर पुत्तन परी पछताती हुई नजर आएगी। अब जो है बात यहाँ पर ये वाली आती है कि रिश्तों से नहीं चीजों से जो है प्यार, तो किसने किस पर कितना किया है खर्चा, क्या बहन ने भाई पर खर्चा किया है या बहन ने माँ के ऊपर खर्चा किया है, बेटी ने एक माँ के ऊपर खर्चा किया है, ये बात आती है। लेकिन पति पत्नी में कभी भी तेरा मेरा नहीं होता है, बहन भाइयों में भी तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, जब तक कि बच्चे जो हैं अनमैरिड हैं। यहाँ पर पुत्तन परी जो है मुझे लगता है पछताती हुई नजर आएंगी उस टाइम पर, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ वीडियोज में अपनी शेयर कर चुकी हूँ कि जब यहाँ पर गुलाब सिंह की अपनी सेना तैयार हो जाएगी, यानी कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, और जो झूठी है वो भी अपनी सेना तैयार करके जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, उस टाइम
पर पुतन परी जो इस टाइम पे सब लोग चिंटू चिंटू कह रहे हैं, तरस आता है मुझे उस बच्चे के ऊपर भी जिसको अपने बाप का ही प्यार नहीं मिला है, जिस बाप के प्यार के लिए तरसी है जय सेना खुद ही, है ना। तो वही चीजें उस बच्चे के साथ भी हो रही हैं। अभी तो सब लोग बहुत प्यार लुटा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन जब खुद की ही औलाद अपने हाथों में आ जाती है, अपने सामने होती है, तो दूसरे के बच्चे से कोई भी उतना प्यार नहीं करता है। तो ये तरस आता है हमें उस बच्चे के ऊपर जिस बच्चे को बाप का प्यार तो मिला ही नहीं है, या फिर बच्चे को बाप का मतलब कि एक अटैचमेंट नहीं होने दी गई है। ये चीजें आप लोगों ने देखी है कि छोटेपन से ही बच्चे को यहीं पे लेके आया गया, और बच्चा जो है बाप के साथ, जब बाप का भी प्यार जो है बच्चे के लिए कैसे उमड़ेगा। लेकिन ये चीजें जो कहने वाली नहीं है, महसूस करने वाली है कि बच्चा जो है वो जिसका खून है वो तो वही उसी घर का ही रहेगा ना, तो ये वो बात है। लेकिन माँ के साथ वो अटैच है, लेकिन मामा मौसी नाना नानी कब तक कोई कितना किसके लिए करेगा जानी। इवन आप लोगों ने देखा है मोटू बिटिया भी बहुत प्यार लुटाती हुई नजर आई है, तो क्या कहीं ना कहीं मोटू बिटिया के साथ अटैचमेंट करवाई गई है चिंटू की, है ना। ये चीजें भी सोचने वाली, मोटू तोरी वाला तो आजकल नजर नहीं आ रहा, आजकल तो बस कद्दू कद्दू किया गया, तोरी 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 तो खैर हो ही नहीं रही है ना। तो यही वो बातें आ गई है कि अब जो है मोटू बिटिया की फैमिली भी इनका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करती हुई नजर नहीं आ सकती। उसकी वजह यही है कि जब अपनी ही मोटू बिटिया के घर की जब बात थी, वो ही वो लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सके हैं। उस रिश्ते को कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग, हालांकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक मोटू बिटिया की शादी होते ही एक स्पेस, एक रूम जो है नहीं बनवा के दिया गया उनके खुद के ही पेरेंट्स की ओर से। कमियां जो उनमें थी उस चीज को उन्होंने अंडरस्टैंडिंग का रूप देकर उस चीज को छुपा लिया है, ढक लिया है। ये वो बातें हैं। अब जो बात है कि अगर कहा जाए कि बड़े जो है आपस में बैठकर बातचीत करते नजर आए, इन बच्चों की जो है प्रॉब्लम जहाँ सोशल मीडिया पर सॉल्व नहीं होगी, वो आपस में बैठकर सॉल्व की जाए, तो सोचने वाली बात ये है कि पुतन परी की ओर से मोटू बिटिया की फैमिली को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समधी है और ये भी एक समधी है, तो वो चीजें नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो बड़े हैं वो होने चाहिए, जैसे कि मामा लोगों की ओर से या फिर ताया जी वगैरह अंकल जो हैं वो जो साथी में हैं, आप लोगों को पता है वो होने चाहिए, है ना। लेकिन वो भी शरीके हयात, वो उनके साथ भी कुछ वैसी खटपट कभी ना कभी चलती ही रहती है, लेकिन फिर भी दुख सुख में जहाँ पे बेटे की बात हो तो सब लोग जो है वो खड़े हो ही जाते हैं नन्नू फैमिलीज की ओर से। तो नंदनपुर वाले तो सारे के सारे ही खड़े हैं। तो वहाँ पर बात ये भी आती है कि इनकी ओर से अभी इस टाइम पर बड़ा कौन है, जो कि डीजे मैया, जो कि खुद ही अभी इस टाइम पर छोटी बच्ची सी हैं, जिसकी बातें जो है वो खुद ही उनकी बेटियाँ जो है वो नहीं फॉलो करती हैं, बच्चे जो है वो बातें नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं इन बातों को लेके भी गुलाब सिंह जो है वो हर्ट होता है, वो भी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। इस बात को तो खैर झूठी ने भी बहुत बार किया है, लेकिन इनकी ओर से अभी कोई भी नहीं है। आप लोगों ने ये चीजें सोची भी होंगी क्या, देखी होंगी, आप लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आती होंगी कि इनकी ओर से कौन है, इनकी ओर से बड़ा कौन है, कौन है बड़ा इनकी ओर से, है ना, जो कि इनके मैटर को सॉल्व कर सकता है। लेकिन पुतन परी की ओर से जब कभी कोई बड़ा हुआ ही नहीं, आगे सामने आया ही नहीं कोई बड़ा, सब पीछे हो गए हैं धीरे धीरे करके। तो पुतन परी का ये कहना है कि गांव वाले भी कोई बातें नहीं करते, करते होंगे अपने ही घरों में, करते होंगे वो लोग बातें भी, लेकिन पुतन परी को तो जो इंसाफ चाहिए है वो यहाँ पर ही चाहिए है, सोशल मीडिया पर ही चाहिए है। तो ये चीजें वो हैं कि रिश्ते जो हैं वो कभी फिर एक नहीं होते, वो बिखरते चले जाते हैं, है ना। ये चीजें जो हैं पुतन परी को इंडिपेंडेंट तो बन जाएगी, लेकिन जिस टाइम पर उसको कदर होगी रिश्तों की, चीजों की नहीं रिश्तों की कदर होगी, उस टाइम पर रिश्ते जो हैं रेत की तरह हाथ से फिसल चुके होंगे कब के, ठीक है, वो चीजें उसको जब समझ आएंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुतन परी का कसूर नहीं निकालते हम लोग, यहाँ पर नन्नू जीजा पे भी बात करते हैं हम लोग। तो ये चीजें हैं कि जब आप जो अंडरस्टैंडिंग आपको भी अपनी ओर से बनानी चाहिए थी, अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए थी, जब आपके रिश्ते तार तार हुए थे, उन चीजों को उसी टाइम पर सब बड़ों को बैठा के बात कर लेनी चाहिए थी आपको अपनी ओर से, है ना। तो यहाँ पर पुतन परी ने भी वही एक टाइम पे जब लाल कपड़े पहनकर जूठी ने एक टाइम पर ये चीज सुसाइड वाली वर्डिंग बोली थी, वही चीज जो है पुतन परी भी कहती हुई नजर आई है। जो पहला इनका कीचड़ वाला उड़ान भरी गई थी, कीचड़ की उड़ान जो है भरी गई थी उस टाइम पर, है ना। तो पुतन परी टाइम
यही है कि अपनी आंखें खोलो, एक बच्चे से उसके पिता का प्यार ना छीनो। और पिता से भी कहा जाता है कि अपने बच्चे का प्यार जो है वो दूर हो, बच्चा विदेश में पढ़ने गया हो, लेकिन प्यार तो बच्चे के साथ होता ही है, अटैचमेंट बच्चे के साथ होती ही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो आपको निभानी होगी, चाहे आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली कोर्ट के थ्रू लो या फिर कैसे लो, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी ही होगी। लेकिन पुत्तन परी को भी यही कहना होगा कि पास्ट को अगर थोड़ा सा आप झांक कर देखो, उस झरोखे में पुरानी यादें जो हैं वो देख रही हैं आपको, कहीं ना कहीं पुरानी गलतियां जो हैं वो फिर से झांक रही हैं आपको। अगर उन गलतियों की ओर आप नज़र दौड़ाओ तो आप खुद देखोगे कि रिश्तों में कभी भी आपके स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो ये रिश्ता भी जो है स्टेबिलिटी इस रिश्ते में भी नहीं आई है, क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ पैसा था, रिश्ते नहीं थे, इस रिश्ते में प्यार नहीं था, इस रिश्ते में बॉन्डिंग नहीं थी, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या फिर फैमिली ने वो चीज़ें होने ही नहीं दी हैं। हमेशा जो लड़कियां पीछे की ओर देखती हैं, हालांकि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पति से चीज़ें छुपा छुपा कर अपने उनको उनके लिए करना, आप समझ रहे हो, मायके वालों के लिए करना, वो भी चीज़ें गलत है। और पति का भी अपनी फैमिली के लिए अपनी पत्नी से छुपा कर वो चीज़ें करना, तो वो भी चीज़ें गलत है। ठीक है, यहाँ पर किसी एक को नहीं, यहाँ पर न्यूली कपल जो हैं उनके लिए भी वो बात है जो कि इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। लेकिन पुत्तन परी जो है वो इस टाइम पर तरस योग्य है। अगर कहा जाए तो मैं एक टाइम पे ना अभी अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी ये चीजें कि देखिए जो कुछ लोग होते हैं वो मतलब कईयों के फेस जो हैं वो इतने भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत काले होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, उनको रिश्तों की कदर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी वही चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर कि फेस देखा जाए तो पुत्तन परी जो है वो तरस जो के है। जब पहले पहले इनके एपिसोड आए वो भी चीज़ें देखिए, प्यार सा हो गया था, एक लगाव सा हो गया था इनके साथ, गुलाब चंद के साथ और पुत्तन परी के साथ, है ना। चीज़ें जो है बड़े ये लोग इनोसेंट से ऐसे नज़र आते थे, लेकिन जूटी जो है वो ऑलवेज ही मक्कार टाइप सी लगती हुई नज़र आई थी, क्योंकि वो हमेशा से ही सस्पेंस जो है वो क्रिएट करती है अपने ही एपिसोड में, वही एक वॉल का एक दीवार का सहारा लेते हुए। ऐसे बहुत सारे उसके एपिसोड हैं, लेकिन उसने अभी तक बहुत चीजें जो है रिवील करनी थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को ये चीजें क्लियर भी करूंगी कि मेरा माया नगरी में जाना क्यों था, या फिर मेरा जो जेनेटिक टेस्ट था उसकी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है, मेरे पथरी का दर्द कहां तक पहुंचा, ये सब चीजें जो है वो चीजें जो बताना ही भूल गई, या फिर जस्ट कंटेंट था उसके पास में। लेकिन अभी जो बहुत बड़े वाला कंटेंट है तो वो है डाइवोर्स को लेके, किसी की पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करना। और यहाँ पर बहुत से लोग जो है मेरे को ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि आप लोग भी तो डिस्कस करते हो, तो लेकिन हम लोग जो हैं वो गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं, यहाँ से यही कह रहे हैं कि गलत मत दिखाओ, गलत मत दिखाओ, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है पहले चीज़ें ठीक कर लो, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी लड़कियाँ लड़के आपसे इंस्पायर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि उनके लिए भी गलत हो सकता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है उनकी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जो है जीने के लिए रिश्तों में स्टेबिलिटी आना बहुत बहुत ज़रूरी, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। चीजों को इग्नोर करना भी पड़ता है कहीं ना कहीं, ना कि हमेशा ही हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आएंगे, तेरा मेरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पैसे से मतलब रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा जो है वो आपके जरूरी नहीं हमेशा ही काम आएगा, लेकिन ये रिश्ते, ये प्यार, ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा आपके साथ रहेगी, अंतिम समय तक साथ रहेगी। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ इज्जत बटोरिए, प्यार बटोरिए, ठीक है, रिश्तों को एक अलग अंदाज से देखिए, ये ना देखिए गलती ढूंढने के लिए तो और बहुत सारे लोग हैं, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्यार ढूंढिए। यहाँ पर पुत्तन परी से कहना चाहूँगी कि अभी जो तुमने जीत लिया है, क्या कहें कि जो तुम्हारे दिल की इच्छा थी, जो तुम्हारी जिद थी, उस चीज़ को तुम जीत के इंडिपेंडेंट बन गई हो, नहीं, इंडिपेंडेंट बनने के बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल करेगा कि मैं अपनी खुशी जो है उसी के साथ शेयर करूं, जिसके साथ जो है मैंने ज़िंदगी की एक शुरुआत की थी, लेकिन उसको मैंने सात फेरों के साथ वचन निभाने की
बात की थी, चाहे वो नन्नू जी चाहे चाहे यहाँ पर पुतन परी हैं, दोनों ने सातों वचन तेरे साथ रहूंगा मैं यार कहते हुए ये वचन जो है लिए थे, लेकिन इसको बीच में ही छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिश्ता इनका किस करवट बैठता है, आगे क्या होता है, उसके लिए बने रहे आप लोग मेरे साथ। मिलती हूँ सेकेंड एपिसोड में, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके साथ, वो पोस्ट पर मेरे साथ शेयर करना आप लोग। ये मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।